सुशांत केस में उनके पिता के वकील विकास सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं और सीबीआई की जांच शुरू होने से पहले उन्होंने कहा है कि जिन बातों का मौत के समय जिक्र किया गया उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं था। पिता के वकील विकास सिंह ने ये तमाम सवाल उठाए हैं, कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन तमाम चीजों का, तमाम बातों का जिक्र नहीं था। मौत से पहले सुशांत के जूस लेने की बात कही गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जूस का कहीं भी जिक्र नहीं है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर तमाम तरह की बातें पहले भी आती रही हैं। देखिए, फोरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहां पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं, नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से, तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है, नहीं आया कुछ, उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। दूसरी बात कि जो जो निशान उनके चेहरे पे हैं, मतलब फंदा के अलावा निशान, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरी बात कि छानबीन की जाएगी उन फोरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें। अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकलता है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले, तो सब झूठ है बिल्कुल। इसलिए ये सब बहुत सी अहम बातें हैं जो कि फॉरेंसिक अगर अभी भी उसकी ठीक तरह से उसकी पूरी तहकीकात की जाए और उसको एक एक्सपर्ट नज़रिए से देखा जाए, तो बहुत सी बातें इसमें निकल सकती हैं।